देखिए, मैं मेरा ये पहला विजिट है उड़ीसा और भुवनेश्वर में, और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ एक संवाद करने के लिए आया था इस प्रोग्राम में। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक बदलाव ला रहे हैं देश में और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को सफल बनाने में, युवाओं को सफलतापूर्वक वो अपॉर्चुनिटी को परसू करने में, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2 साल पहले बना है और एक नया स्किल इंडिया का जो मूवमेंट हमने शुरू किया है, उन दोनों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हमारा प्रधानमंत्री का कहना ये है कि दुनिया के देशों में से भारत को स्किल का एक हब बनाना और यहाँ के युवाओं को भारत में और बाहर के जो आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं उसके लिए सक्सेसफुली परसू करना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, युवाओं के लिए भी और देश के लिए भी। हाँ जी, नहीं ये तो हमारा एक संकल्प है कि नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ और स्किलिंग के साथ, ये दोनों मिलाकर हमारे युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रॉस्परस फ्यूचर बनाने के लिए। तो हमारा एक स्लोगन है दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द स्किल इंडिया मिशन इज़ अ पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी फॉर यंग इंडियंस। नहीं देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हर राज्य को, हर प्रदेश में ऐसे कॉन्क्लेव होने चाहिए ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस हो कि ये जो आने वाले सालों में इतने नए नए अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रहे हैं, उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्किलिंग से वो उस प्रयास से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं।